शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आरती, ऐसी कौन सी वजह हो सकती है कि तुमने आज तक शादी नहीं की? शादी कर लेती तो यहाँ नौकरी कैसे मिलती? थैंक यू। आपको तो एक ऐसी नर्स चाहिए थी जिस पर कोई जिम्मेदारी ना हो। एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ, पूछो। आखिर आपने ऐसी शर्त क्यों रखी? क्या शादीशुदा या फैमिली वाली लड़कियां नर्सिंग नहीं कर सकती? जरूर कर सकती हैं आरती, लेकिन इतनी लगन से नहीं। मैं इस बात को नहीं मानती। देखो आरती, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मेरी बात का सबसे बड़ा सबूत तो खुद तुम हो। देखो ना, दिन रात एक करके तुमने इस अस्पताल को संवारा है। कितना अपनापन है तुम्हारे हर काम में, और ये सिर्फ इसलिए कि तुम अकेली हो, तुम्हारा कोई नहीं। नहीं, ये गलत है। मेरी एक दूर की बहन है, दीदी। बहुत दिन हो गए उसे मिले हुए। कल मैं एक दिन के लिए जाना चाहती हूँ। छुट्टी मिलेगी? छुट्टी? इम्पॉसिबल। और वो भी कल। कल तो मैं खुद लोनावाला जा रहा हूँ। मरीज इंतजार कर रहे होंगे, और फिर कल पोस्ट ऑफिस भी जाना है, दवाओं का पार्सल आ गया होगा। आई एम सॉरी आरती, जब तक दूसरी नर्स का इंतजाम नहीं हो जाता मैं तुम्हें नहीं भेज सकता। तुम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? अपनी दीदी को यहीं बुला लो। अच्छा, मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई, सुबह जल्दी उठना है। गुड नाइट। गुड नाइट। और माँ, आरती ने हॉस्पिटल का तो नक्शा ही बदल के रख दिया। कमाल की नर्स, डिसिप्लिन की तो इतनी पक्की है कि उसने मुझ तक को क्लिनिक में सिगरेट पीने से मना कर दिया। और मजा ले किसी वार्ड बॉय के कि बिना वर्दी उसके सामने चला जाए। और माँ, मरीजों से तो इतनी हमदर्दी करती है कि छोटे बड़े सभी से चाहते हैं। खूबसूरत है। अरे हाँ माँ, बहुत ही। क्या मतलब? मतलब ये कि शादी कर ले उससे। फिर वही बात। माँ, तुम अच्छी तरह से जानती हो आजकल मैं कितना बिजी हूँ, और फिर जब तक मेरा हॉस्पिटल जम नहीं जाता मैं शादी वादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। हॉस्पिटल की इतनी चिंता है तुझे, और अपनी बूढ़ी माँ का जरा भी ख्याल नहीं। फिर वही इमोशनल ब्लैकमेल। माँ, तुम समझती क्यों नहीं, एक अच्छी नर्स कितनी मुश्किल से मिलती है। एक अच्छी बहू भी तो आसानी से नहीं मिलती। एक बार घर ले अपने आरती को। नहीं माँ, कम से कम इस नर्स को तो मेरे अस्पताल के लिए छोड़ दो, वो यहाँ नहीं आएगी। तो ठीक है, मैं ही उसे जाकर दिखाऊंगी। देखो माँ, मैं कह देता हूँ तुम वहां नहीं जाओगी। भलाई क्या दिखाती हो? तुम क्या समझती हो पहले कोई खिलौने नहीं लाएगा? जब मेरी मम्मी आएगी तब बहुत सारे खिलौने लाएगी। अरे मम्मी कभी खिलौना लाती है क्या? वो तो पापा लाते हैं, तुम्हारे पापा तो है ही नहीं। मेरे पापा हैं, भगवान जी के घर। वो आएंगे, इधर से आएंगे। नहीं आएंगे। 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 नहीं आएंगे। अरे अरे, नहीं आएंगे। क्या शोर मचा रखा है, चलो चुपचाप सो जाओ। बुलबुल, क्या बात है? आंटी, देखो ना, ये सब कहते हैं कि मेरे पापा नहीं आएंगे, मैं इनके साथ नहीं सोऊंगी। अच्छा अच्छा, तू मेरे साथ सो जा, ठीक है? चल। बुलबुल, तुम यहाँ बैठो, मैं एक चिट्ठी लिखवा दूँ, फिर चलते सोने। अच्छा आंटी। हाँ तो लिखो। श्री शंकर दयाल, सप्रेम नमस्कार। किसे चिट्ठी भेज रही हूँ आंटी? वो अपनी मीना है ना, उसके पिताजी को। कहाँ रहते हैं उसके पिताजी? इंग्लैंड में। यानी कि बहुत दूर? हाँ। आकाश इतनी दूर? हाँ हाँ हाँ। लिखो। चिरंजीव मीना के लिए भेजे हुए खिलौने मिले। लिखो। चिरंजीव भगवान जी,
आप मेरे पापा को क्यों ले गए? उन्हें जल्दी से मेरे पास भेज दो, नहीं तो देखना फिर सब बच्चों के पापा गुड़िया लाते हैं, मेरे लिए भी एक गुड़िया भेज दो। बस हो गया, पहले अपने साइन तो कर। साइन मतलब अपना नाम लिख ले। देख इसे लाल डब्बे में डालते हैं, तब जाकर पहुंचती है ये। अच्छा है? भगवान जी साहब, इस चिट्ठी की डिलीवरी कहाँ होगी? किसका पता है भगवान जी? अरे वाह, इसकी डिलीवरी करने के लिए तुम्हें भगवान के घर जाना ही पड़ेगा जी। किसको भगवान के घर भेज रहे हैं मास्टर जी? आइए आइए डॉक्टर साहब, आप बड़े उचित समय पर पधारे हैं। इसका मतलब यह है कि मेरा दवाइयों का पार्सल आप पहुंचा। वो तो आप पहुंचा, मगर किसका हमका? क्यों? आपकी दवाइयां हमारे पोस्टमैन को नहीं बचा सकती, उसे तो भगवान के घर जाना ही होगा। फिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई? मुसीबत नहीं, ड्यूटी डॉक्टर साहब, ड्यूटी। देखिए नहीं ये चिट्ठी, शायद आशा देवी की स्कूल से किसी बच्चे ने लिखी है भगवान के नाम। अब इसकी डिलीवरी तो करनी होगी ना। चिरंजीव भगवान जी। मेरे पापा को आप क्यों ले गए? उन्हें जल्दी से मेरे पास भेज दो, नहीं तो देखना फिर सब बच्चों के पापा गुड़िया लाते हैं, मेरे को भी एक गुड़िया भेज दो। बुलबुल, कितनी प्यार भरी चिट्ठी है, लगता है बेचारी का बाप नहीं। कैसा इंसाफ है भगवान का, जो मासूम से याद करते हैं उन्हीं के सहारे छीन लेता है। मास्टर जी, मैं इस बच्ची को गुड़िया भेज देता हूँ, बेचारी खुश भी हो जाएगी और उसका विश्वास भी बना रहेगा। हाँ हाँ, अच्छा रहेगा। तुम वो लाल डिब्बे वाले हो ना? लाल डिब्बे वाला? अरे बाबा, चिट्ठी वाला। हाँ बेटे, भगवान जी के घर तुमने मेरी चिट्ठी पहुँचा दी। अच्छा अच्छा, तो तुम बुलबुल हो ना? और नहीं तो क्या, मैं ही तो बुलबुल हूँ। ये लो, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए गुड़िया भेजी है। मेरे पापा ने मेरे लिए गुड़िया भेजी है? हाँ बेटे। देख चंदा, मेरे पापा ने मेरे लिए गुड़िया भेजी है। देख मीना, मेरे पापा ने मेरे लिए गुड़िया भेजी है। देखो कुसुम पिंकी, मेरे पापा ने मेरे लिए गुड़िया भेजी है। देख माया, मेरे पापा ने मेरे लिए गुड़िया भेजी है। मेरे पापा कितने अच्छे हैं। भगवान जी, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। टिकट 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 टिकट। बहुत अच्छा कुसुम, कौन सा तेल लगाया? टिकट लीजिए। टिकट? अयो पाप, गनगोर पाप, अयो साधु से टिकट मांगता? अरे पोंक कर, ऐसा शराप मारेगा, तेरा ऊपर का टिकट कटा देगा नास्तिक। महाराज, टिकट तो आपको लेना ही पड़ेगा, ये बस सरकार की है और मैं भी सरकार का आदमी हूँ। तुम सरकार का आदमी? अरे हम भगवान का आदमी। तुम बस का कंडक्टर, हम भगवान का कंडक्टर। अच्छा अच्छा, लो टिकट लो। तुम टिकट लिया क्या? अरे मूरख, तुम टिकट नहीं लिया, हम कैसे टिकट लेंगे? सीधी तरीके से पैसे निकालिए महाराज, वरना ये बस रुकवाता हूँ, आपको यहीं उतरना पड़ेगा। अरे कैसा उतरना पड़ेगा? हम नहीं उतरना, हमारा दाढ़ी उतरना, हमारा दाढ़ी में से पैसा निकलना, तुम टिकट देना। अरे मुर्गन, तुम मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। हमको मालूम, जब तुम नहीं पहचाना तो वो कुत्ता क्या पहचानेगा? अरे वो दो अभी का कुत्ता मोती बस स्टॉप पे मेरा इंतजार करता। Mm-hmm.
नहीं पहचाना ना, ना रे कुत्ता। पहचान लिया, पहचान हमारा दर्शन हो गया, हमको मोती का दर्शन हो गया। ठंग छोड़ो, ठंग छोड़ो, अरे पकड़ा पकड़ी में, वो हमको पकड़ेगा। छोड़ो अयो रामा, अरे चले जाए हॉस्पिटल, अस्पताल हमारे लिए मंदिर। अरे हम साधु है, वो शैतान को कौन सा लोटा पकड़ो, शैतान पकड़ना। ओ महाराज, आप कहाँ से टपक पड़े? अयो धोबी साधु राम, आप मेरा नाम भी जानते हैं? अयो मुर्गन, इन्ना पंडरते रोम्ब कष्टम। अयो मुर्गन, मुर्गन आमा मुर्गन मद्रास में भगवान को बोलता। हम मद्रास का साधु तिरुपति से आया, बहुत बड़ा स्वामी, अंतर्यामी, सबको जानता। शिवाजी गणेशन, कमल हासन, अग्निहोत्री, श्री देवी, जय पर्दा जय पर्दा। सरगम महाराज, आप तो भगवान के अवतार। आशीर्वादम आशीर्वादम। अच्छा हुआ आपने आशीर्वाद दिया, मैंने अपनी लड़की की शादी अभी अभी काना से पक्की कर दी है। अयो काना, तू गोरी से शादी बनाना काना? मैं काना नहीं, मेरा बेटा काना। हमको बनाना, तेरा बेटा का चश्मा, उसका दोनी चार आंख, तेरा आंख चिक चिक चिक, तू काना। ये काना नहीं, काना कृष्णा कन्हैया मुरली वाला। मुरली ये ले, मैं तेरा मुरली बजा। अयो कन्या कुमारी, तेरे को ये गद्दा हो ना? नहीं होना, नहीं होना। इस तो शादी बनाना? नहीं बनाना महाराज, मुझे बचा लो, मेरा बापू जबरदस्ती मेरी शादी इससे कर रहा है। अयो ऐसा गाय जैसा गोरी, अरे मूरख, ये गद्दा के साथ में बांध रहा है इसका ढोरी, चल मेरे साथ चोरी। कहाँ ले जाता है उसको? मैं इसका हाथ देखने को बाहर लेकर जाता, बाहर नहीं अंदर देखेगा। गुस्सा नहीं करना जी। अयो हाथ कितना मैला हो गया, थोड़ा झाड़ू मारता। क्या हुआ महाराज, आप झटका क्यों खा गए? ये इसका पति शादी के बाद एक घंटे का अंदर मर जाए। जालिम साधु राम, तू मेरे बेटी की शादी तेरे बेटी से कराकर उसको सुली में चढ़ाना चाहता है? मैं पंचायत बिठाऊंगा, पंचायत। चल बेटे, जी आप मेरी बात मान लीजिए, मेरी इज्जत आपके हाथ में है। तेरी इज्जत भाड़ में गई, तेरी इज्जत। ठहरो बाबू, इनकी बात सुन लो, शायद कोई हल निकला है। बैठ जा। हाँ बोल, क्या है? मैं अपनी बेटी की पहली शादी मुर्गन से कर दूंगा, एक घंटे के अंदर वो मर जाएगा, उसके बाद उसी मंडप में दूसरी शादी तुम्हारे कान्हा से करवा दूंगा। महाराज दूसरे पति को तो कोई खतरा नहीं है ना? खतरा है क्योंकि बीच में कुतरा है, वो तेरा मोती बहुत फनोती, उसको बांध के रखना, फिर उसका बाद जन्म जन्म का फेरा चालू होना। गुई 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 गुई।